Thank you very much, Mr. Speaker, sir. I'm extremely delighted that we have had exactly 20 members participating in this debate. The same number of members had spoken on this on 12th of December. So effectively, there were 6 common members. So effectively, I've got the benefit or sage advice of at least 35 members who have spoken, 34 members who have spoken. And I'm a much wiser man today with all the great inputs that I've received from my young friend Dipinder. But I would like to place on record my appreciation of both the concerns that have been flagged off and the valuable suggestions that have been brought before me. I wanted to start by just highlighting a few things that an honorable colleague, Mr. Jyotiraditya Sindhya, had raised last time. Because at that point of time, the whole process was new, we were just starting. And he had expressed some doubts about our ability to do this auction. I'll flag off the 6 doubts that he had raised, sir. He said that coal has been increasing production at 1.5-2% for so many years. How does this minister expect to increase it by 8% a year so that we can achieve 1 billion ton? 100 crore ton koila banane ke liye, unhone mere upar tippani ki ke 8% growth kaise hogi. Main unko bahut khushi se batana chahunga ki June se abhi tak jo koile ka utpadan bada hai, wo lagbhag 7% se bhi adhik growth already kar chuka hai. Aur main vishwas dilaunga, humne mine by mine plan bana ke Coal India Limited, जिसको हम एक सक्षम, मजबूत और भारत का ज्वेल बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और अच्छा काम करने देना चाहते हैं, वो 100 करोड़ टन कोयला अवश्य बनाएगा 2019-20 तक. उन्होंने ये भी कहा था कि जमीन और पर्यावरण के क्लियरेंसेस को तो 7-8 साल लगते हैं, तो ये मायने कब खुलेंगी. मैं बड़े खुशी से कहना चाहूँगा कि पर्यावरण मंत्रालय बहुत तेजी से काम कर रहा है और जो पिछली सरकार ने जो नया जमीन का अध्यादेश कानून लाए थे उसमें कोल बेरिंग एक्ट को अलग रखा था, उसको इंक्लूड नहीं किया गया था. हमने जो अध्यादेश जमीन के सिलसिले में लाए हैं उसमें कोल बेरिंग एक्ट को भी अभी शामिल कर दिया गया है और सभी लाभ आरएनआर इंक्रीज कॉम्पेंसेशन वो सभी अभी कोयले की खदानों में भी मिलेंगे. ये मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत हर्ष की बात है. मैं उम्मीद करूंगा कि वो अध्यादेश वो कानून में परिवर्तित जल्दी हो जाए और सर्वसम्मति से हो जाए जिससे कोयले की खदानों में भी उसका लाभ मिले. उन्होंने ये भी कहा था कि क्यों नहीं मैं कोल इंडिया को रीस्ट्रक्चर करता हूं. मैं सदन को बताना चाहूंगा रीस्ट्रक्चर की परिभाषा जो उन्होंने कही थी कि छोटी कंपनियां बना ली जाए वो इस सरकार को मान्य नहीं है. हम कोल इंडिया को एक कंपनी देखना चाहते हैं और कोल इंडिया को और मजबूत बनाना चाहते हैं. हम रीस्ट्रक्चरिंग में टेक्नोलॉजी लाएंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे, अच्छा काम करेंगे, कामगारों के लिए अच्छे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और अच्छी तनख्वाह का प्रबंध करेंगे. उन्होंने ये कहा था कि सीएमडी नहीं है 7 महीनों से. अब वो सीएमडी तेलंगाना में चले गए. उसके बाद एक प्रक्रिया हुई और मैं खुशी से बताऊँगा कि दिसंबर जिस महीने में डिबेट हुई उसी के आखिरी तक नए सीएमडी ने अपना भार संभाल लिया था. आखिरी में उन्होंने टिप्पणी की थी कि कभी कोई टाइम टेबल सरकार का मीट होता ही नहीं है. हर टाइम टेबल में ऐसे डेट दी जाती है वो कभी हो ही नहीं सकते और आपका भी टाइम टेबल फेल होगा. मैं बड़े खुशी से सदन को समर्पित करता हूँ, हमने टाइम टेबल की हर एक दिन और हर एक जिम्मेदारी को समय के अनुसार पूरा किया है और जिस समय पे वो टाइम टेबल में जो काम होना था करके 31 मार्च तक जो पहले मायने ऑक्शन या अलॉट होनी है, खासतौर पे 42 मायने जो चल रही थी या चलने की संभावना थी, उन सबको हमने पूरा किया है. इस डिस्कशन में जो आज विषय निकले उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं सदन के सामने पेश करना चाहूंगा. उसके पहले एक थोड़ा परिपेक्ष मान्य सदस्यों ने भी दिया, दीपेंद्र जी ने इस विषय का उल्लेख किया. मैं वास्तव में राजनीतिकरण नहीं करना चाह रहा था लेकिन आपने अब उल्लेख किया है तो मुझे आपको जवाब देना पड़ेगा. दीपेंद्र जी, आपने कहा कि ये 93 से चल रहा था और 2010-11-12 तक
और सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल का कैंसिल किया, जिसमें 8 वर्ष आपकी भी सरकार थी, आप विपक्ष की सरकार थी, हमारी 6 वर्ष थी, 2 वर्ष यूनाइटेड फ्रंट, जिसके कई यहाँ पे सहयोगी बैठे, जिसका समर्थन वैसे आपकी पार्टी ने किया। अब उस समय की परिस्थिति एक सम्मान्य सदस्य ने बताया, 93 से जब ये ऑक्शन शुरू है उसकी अगर डिटेल्स मैं उनके सामने रखूं तो बेचारे हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 20 ब्लॉक्स का आवंटन एनडीए के समय में किया गया, 16-20 जो भी आपको आंकड़ा लेना है, लो आंकड़ा ब्लॉक्स का नहीं होता है सर, आंकड़ा होता है कितने मिलियन टन दिए गए। और मैं आपको बताऊं कि पूरे 6 वर्ष के कार्यकाल में एनडीए के मात्र 148 करोड़ टन का ब्लॉक का अलॉटमेंट हुआ प्राइवेट सेक्टर को, जबकि आपके 6 वर्ष के कार्यकाल में जब तक अलॉटमेंट हुआ, जिसमें भी अधिकतर 2006 से 9 चुनाव के तुरंत पहले किया गया, उसमें 1228 करोड़ टन, तो 148 अगेंस्ट 1228 करोड़ टन। और पूरी देखें तो पूरे 6 वर्ष में मात्र 4 बिलियन टन अलॉट हुआ, मतलब 400 करोड़ टन, और आपके कार्यकाल में 37.5 ट्रिलियन टन, 37.592 बिलियन टन, मतलब 3759 करोड़ टन, तो लगभग 10 गुना कोयला आपने 3-4 वर्षों में दिया, जबकि डिमांड बढ़ रही थी। आपको भी पता था कि अब डिमांड बढ़ रही है, महंगा होते जा रहा है कोयला, और सदस्य ने ठीक कहा, 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अमेंड हुआ, अमेंडमेंट के बाद डिमांड आई, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दामें बढ़ी, तभी कोयले की माइनिंग वायबल हुई। और एक पूर्व सचिव ने आपके प्रधानमंत्री को सुझाव दिया कि अब इसकी नीलामी की जाए, पुराना प्रोसेस अब तक ठीक चल गया, आगे इसको नीलामी करें। आपके प्रधानमंत्री जी ने जरूर कहा कि अब नीलामी होनी चाहिए, लेकिन 10 वर्ष आपकी सरकार एक माइन नीलामी कर नहीं पाई। आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, लीजिए, आपने कानून बनाया लेकिन कानून का अमल नहीं किया। एक ब्लॉक इनके राज्य में ये ऑक्शन, क्या ऑक्शन या टेंडर भी नहीं हुआ, हमने मात्र 9 दिन में 14 से शुरू करके 22 तारीख तक 19 माइने 18 बिड द्वारा ऑक्शन की, और मुझे खुशी है कि आज से नया दौर ऑक्शन का शुरू होने जा रहा है। अब मैं, क्योंकि ये जरा राजनीतिक टिप्पणी थी, मैंने कहा इसको जरा परिप्रेक्ष्य ठीक कर लें, लेकिन जो मुद्दे आज उठाए गए हैं उस पर जरा ध्यान आकर्षित करूंगा। भातृहरि जी ने, कल्याण बैनर्जी ने, कुछ और सदस्यों ने जरूर कहा कि राज्य की संपत्ति होती है और ये आर्बिट्ररी तरीके से कोल ब्लॉक एंड्यूज हो रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि एक एक ब्लॉक टेक्निकल कमिटी, जिसमें हर एक डिपार्टमेंट के लोग मेंबर्स हैं, उस टेक्निकल कमिटी द्वारा डिसाइड किया गया कैसे इसको किस पर्पज़ के लिए किया जाए। कोई भी ब्लॉक स्टील से पावर में नहीं ट्रांसफर गया, स्टील के ब्लॉक स्टील में है। एक इंटर मिनिस्टेरियल टेक्निकल कमिटी ने कुछ ब्लॉक्स जो स्पॉन्ज आयरन के लिए थे उसको जरूर पावर पे शिफ्ट किया, लेकिन एक डिफाइंड क्राइटेरिया जिसमें 7-8 बिंदु हैं, मैं 7-8 बिंदु पढ़ सकता हूँ, नहीं तो जो जो सदस्य को इंटरेस्ट हो उनको दे सकता हूँ। 3-4-5-7 बिंदु हैं, और प्रमुखतः उसमें ये बिंदु है कि कौन से ग्रेड का कोयला है। अगर अच्छे ग्रेड का है तो नॉन रेगुलेटेड पावर, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम में जाए, कम ग्रेड का है तो पावर में जाए, जो विश्व का एक नियम चले आ रहा है। दूसरा, रिजर्व्स कितने हैं। अगर 100 मिलियन टन से ज़्यादा रिजर्व हैं तो हमने जहाँ तक हो सके पावर में दी। सम्मान्य सदस्यों ने, कई सदस्यों ने कहा कि बिजली की किल्लत है देश में, पूरा सदन, पूरा देश आज बिजली के लिए तरस रहा है। 30 करोड़ लोग आज भी आज़ादी के 67 इयर्स बाद बिना बिजली के हैं, जिसमें हुडा जी मेरे ख्याल से 50 वर्ष से अधिक आपकी सरकार रही है, उसके बावजूद 30 करोड़ लोगों को आज बिजली नहीं मिलती। उन सब की ज़रूरतों को हमें संभालना, मैं समझता हूँ इस पूरे सदन का
और इसमें प्रांतिकता है, राज्य का सवाल नहीं है, पूरे देश की समस्या है। और मैं समझता हूँ उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये भी इस देश के अंग हैं। जैसा सम्मान्य सदस्य ने वहाँ से कहा कि, या दुष्यंत जी ने कहा कि आखिर कुछ राज्य अनाज देते हैं तो वो ये नहीं तय करते कि उड़ीसा वेस्ट बंगाल में नहीं भेजेंगे। वैसे ही अगर ये संपत्ति उड़ीसा वेस्ट बंगाल की है तो उसकी जिम्मेदारी पूरे देश में बिजली बने उनकी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जब ये फ्री में दिए जा रहे थे ब्लॉक तब तो कोई आपत्ति नहीं आई। आज हम ये ऑक्शन कर रहे हैं, अलॉटमेंट में भी उसका कुछ सही दाम स्टेटों को दे रहे हैं, अलॉटमेंट जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स को हो रहे हैं उसमें भी एक प्राइस रख रहे हैं आपके लिए। मैं समझता हूँ आप जैसे राज्य वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनको जो इतना लाभ होने जा रहा है, तेलंगाना, इनको तो सबसे ज़्यादा उत्साहित होना चाहिए कि ये कानून सर्वसम्मति से पारित हो, जिससे एक देश में मैसेज जाए कि ईमानदारी का सम्मान हुआ है। हर एक राज्य ने मिलके, हर एक दल ने मिलके एक ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट प्रोसेस को अमल में लाया है और देश भर में बिजली की संकट को दूर करने में हम सभी मिलजुल के सहमति से एक दूसरे के इस काम को करने जाएंगे। एक आपने अर्जेंसी की बात भातुवारी जी ने की थी कि अर्जेंसी क्या है, अभी तक क्या हुआ। आप जानते हैं कि ये 42 ब्लॉक कोल प्रोड्यूस कर रहे थे, जो पुराने कानून है उसके हिसाब से भी ऑक्शन हो सकता था जैसा दीपेंद्र जी ने कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ माइनिंग लाइसेंस कैंसिल किया, लेकिन माइन का लैंड, उसका बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर निजी क्षेत्र के हाथों में था। उनको जब तक सरकार वापस ना ले, और मुआवजा दिया गया है, देने जा रहे हैं, उसको लेके जब इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को ऑक्शन करते हैं जिसमें कोयले की खदान भी है, जमीन भी है, जो फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब है, तभी वो ऑक्शन हो सकेगा। नहीं तो हम सिर्फ ऑक्शन करते एक मात्र पेपर माइनिंग लीज, लेकिन जमीन और माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और किसी का होता तो ये मायने 31 मार्च जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित डेट है उस दिन ये मायने बंद हो जाती, हजारों कामगार बेरोजगार हो जाते, बेघर हो जाते। इस देश में कोयले की वैसे ही कमी है और कोयले की कमी बढ़ती, उसको आयात करना पड़ता विदेश से, फॉरेन एक्सचेंज इफेक्ट होता, पूरे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती, साथ ही साथ स्टील, सीमेंट, पावर सभी क्षेत्र, देश भी अंधेरे में जाता, ये सब स्टील सीमेंट महंगा होता और देश में परिस्थिति बिगड़ती। तो मैं समझता हूँ बहुत आवश्यक था कि ऑर्डिनेंस लाया जाए और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि इसको अभी भी सर्वसम्मति से दोनों सदन पारित करें, जिससे ये खाने चलती रहें, प्रोडक्शन में रहें और आगे भी और खानों को हम जल्दी शुरू करके प्रोडक्शन बढ़ा सकें। आपने रिवर्स बिडिंग की बात की, मैंने कई बार समझाया है, रिवर्स बिडिंग एक बहुत ही सुंदर तरीका जो बहुत कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट से बनाया गया, जिससे मैंने एश्योर किया है कि बिजली की कीमतें किधर भी बढ़े नहीं, बिजली की कीमतें बल्कि कम हो देश में। और ये सम्मान्य प्रधानमंत्री जी का वादा था देश को कि बिजली की कीमतें कम की जाएंगी, अफोर्डेबल पावर, चीप पावर, फुल पावर 100% 24/7, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए रिवर्स ऑक्शन किया गया जिससे बिजली की कीमतें कम रहेंगी पूरे देश में। कल्याण जी, पूरे देश के जनता आपको, उड़ीसा को, सबको धन्यवाद करेगी कि आपके आया हुआ कोयला, सस्ता कोयला से सस्ता बिजली बने और वो देश की सेवा में रहे। साथ ही साथ साथ ही साथ कई मायने कमर्शियल माइनिंग के लिए दी जाएंगी, कल कई मायने नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिए दी जाएंगी, कई मायने आपके राज्य की PSUs आपके राज्य सरकार को दी जाएगी, जिससे आपके राज्य में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्टर हो सके, आपके राज्य में और तेजी से औद्योगिकरण हो, आपके राज्य में सस्ती बिजली बने जो आप बेच के और मुनाफा भी कर सकते हैं, और जो कमर्शियल माइनिंग कोल आपको मिलेगा उसको आप अंतर्राष्ट्रीय दाम पे बेच के उसमें भी आपका मुनाफा और बढ़ सकेगा। उड़ीसा के संदर्भ में एक बात जरूर बताना चाहूँगा, आपने बार बार जिक्र किया कि हमें पैसा क्या मिला,
सिर्फ 500 करोड़ रुपए मिले 1 लाख में से। ये पैसा बाय द वे किसी ने मुझे पूछा कि कब आएगा, कल्याण जी ने पूछा कब आएगा, समय बताओ वगैरह। भाई साहब ये पूरा ट्रांसपेरेंटली वेबसाइट पे है। जैसे आज शुरू में 10% अपफ्रंट फी आएगी जो राज्य को जाएगी, और जैसे जैसे कोयले की खदान से कोयला निकलेगा वैसे वैसे आपको इसकी रॉयल्टी 14% और साथ ही साथ जो एडिशनल लेवी ऑक्शन द्वारा आएगी वो दोनों आपके राज्य को जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा आपको हर वर्ष मिलेगी। उसकी पूरी डिटेल्स हमने ट्रांसपेरेंटली पब्लिक डोमेन में वेबसाइट पे डाल रखी है। उड़ीसा की एक ही माइन खुली थी अभी तक, जो अभी तक ऑक्शन हुई है वो ये माइने हैं जो ऑलरेडी प्रोडक्शन में है। अब अनफॉर्चुनेटली आपके राज्य में ज़्यादा माइने अभी तक खुली नहीं है, उसके लिए जमीन लगती है, एनवायरमेंट क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस। जैसे जैसे आप तेजी से वो क्लियरेंसेस देंगे वैसे वैसे माइने प्रोड्यूस करेंगी और आपके राज्य की आमदनी बढ़ेगी। अभी एक ही माइन इसलिए है क्योंकि एक ही माइन अभी तक इन ऑपरेशन थी, जो जिसमें आपको ये 512 करोड़ आगे आने वाले दिनों में मिलेंगे। और आपकी जानकारी के लिए उड़ीसा की 30 माइने हैं जिसमें 12,000 मिलियन टन, मतलब 1,200 करोड़ टन है। अभी तक जो माइन ऑक्शन हुई है वो 1 करोड़ टन की है, तो 1200 करोड़ में से 1 करोड़ टन की माइन ऑक्शन हुई है। तो आप जल्दबाजी में मत सोचिए, अभी और समय बाकी है, और माइने आनी है, वो सब पैसा आप ही को जाएगा। और जहां तक बात है चर्चा की, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हमारे अधिकारी हर एक राज्य के अधिकारियों के साथ निरंतर चर्चा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, संपर्क में हैं, और जो जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनके संपर्क में, उनके साथ बातचीत के साथ ही लिए जा रहे हैं। रविंद्र पांडे जी ने कई अच्छे सुझाव दिए। मैं कोल बेरिंग एरियाज के वेलफेयर के बारे में बहुत चिंतित हूँ और आगे आने वाले दिनों में इसमें गहराई से और बहुत बहुत अच्छी तरीके से कामगारों की भी और विस्थापितों की भी अच्छी सुविधाएं हो उस पर विचार चिंता करूंगा। श्री विंसेंट पाला जी ने कुछ विषय निकाले, आपने क्लॉज 5 का जिक्र किया कि क्या कंडीशंस कंटिजेंसीज होंगी, वो सब माइने स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयूज को दी जा रही हैं, तो इसलिए उसमें कोई कंटिजेंसी का सवाल नहीं है। वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और स्टेट गवर्नमेंट्स को, जिसमें सबसे पहले राउंड में मैं देख रहा था कि कर्नाटक की बहुत सारी माइंस हैं, और अगर मैं वो माइन ये अध्यादेश समझो नहीं पास होता है और लैप्स हो जाते हैं 60 दिन के अवधि के बाद, तो शायद कर्नाटक में भी बिजली का संकट आ जाएगा, क्योंकि वो माइने महाराष्ट्र की माइने हैं। मुझे महाराष्ट्र का बहुत दबाव है कि महाराष्ट्र की माइन महाराष्ट्र का दो, लेकिन मैं सम्मान करता हूँ संघीय ढांचे को, वो माइने कर्नाटक सरकार ने खोली है, कर्नाटक उसमें माइन कर रहा है, वहाँ की बिजली उत्पादन हो रही है उससे। मैं चाहता हूँ कि वो माइने चालू रहें, 31 मार्च को बंद ना हो, और इसीलिए चाहता हूँ कि ये बिल 31 मार्च के पहले पारित हो जाए, जिससे कर्नाटक में बिजली संकट ना हो और ये कोयले की खाने आपको दे जा सके। एंड यूज रिस्ट्रिक्शन आपने पूछा कि रिमूव किया गया है, ऑन द कॉन्ट्ररी एंड यूज रिस्ट्रिक्शन लाया गया है। जितनी माइने अभी जा रही है उन सब पे एंड यूज रिस्ट्रिक्शन है। हमने विश्वास दिलाया जब तक सब एंड यूज रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से मीट नहीं हो हम तब तक कोई भी माइन कमर्शियल माइनिंग के लिए नहीं देंगे प्राइवेट सेक्टर को, और वो कुछ देंगे भी तो उसका मैंने विस्तार से पिछली बार बताया था सदन को, फिर एक बार दोहराता हूँ कि आज लाखों भट्टे हैं, लाल मिट्टी के भट्टे, अभी किसी सदस्य ने आपने बात की, हजारों रिफ्रैक्ट्री प्लांट्स हैं, करोड़ों महिलाएं आज भी कोयला खरीदती हैं 5 किलो 10 किलो, जिसके लिए 25 रुपए 30 रुपए किलो देना पड़ता है। क्या इन सबको ब्लैक मार्केट से ही कोयला मिलेगा, या कभी कोई व्यवस्था बनेगी जिससे कंपटीशन आए, स्पर्धा हो, और उस स्पर्धा में सस्ता कोयला भट्टों को मिले, छोटे उद्योगों को, बॉयलर वालों को मिले, गृहिणियों और महिलाओं को मिले, उस व्यवस्था को लॉन्ग रन के लिए वो प्रोविजन रखा गया है। अभी जितनी माइने हैं वो एंड यूज के साथ ही दी जा रही है। आपने जॉइंट वेंचर्स का सेक्शन 20 का जिक्र किया, वो जॉइंट वेंचर्स प्राइवेट और पब्लिक की नहीं है। अगर कोई 2-3 व्यक्ति की रिक्वायरमेंट छोटी है तो वो भी बिडिंग कर पाए और बिडिंग में स्पर्धा ज्यादा हो, इसलिए उनको जॉइंट वेंचर अलाउ किया गया है, लेकिन माइन तो बिडिंग द्वारा ही मिलेगी उनको। साथ ही आपने क्लॉज 21 की बात कही है, राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन विल इट अप्लाई, मैंने अभी बताया
कि ये पहले नहीं अप्लाई करता था, अब हमने उसको अप्लाई किया दूसरे कानून में, जो मैं उम्मीद करता हूं सदन और दोनों सदन उसको पारित करेंगे। फिर लैंड एक्विजिशन लॉ के अमेंडमेंट के बाद कोल बेरिंग एरिया में भी ये सभी लाभ जनता को, किसानों को, जमीन मालिकों को मिल पाएगा। एक विषय आपने कहा, हाउ डू यू कैलकुलेट द रिजर्व प्राइस, फ्लोर प्राइस, ये विषय भी शायद विंसेंट पाला जी का था। इसके लिए एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी क्रिसिल को नियुक्त किया गया, उसने पूरा फॉर्मूला बनाया और उस फॉर्मूला के हिसाब से इंडिपेंडेंट एजेंसी, मैं कुछ नहीं तय करता हूं, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट नहीं करती है, वो भी फॉर्मूला बेस्ड है। मैं पूरा फॉर्मूला समझा सकता हूं, मुझे तो मजा आता है इन सब टेक्निकल बातों में, पर उसमें समय नहीं बिगाड़ूंगा। श्री अरुण मोजी थेवन जी ने एक दो विषय की बात की थी कि पीएसयू के लिए रिजर्वेशन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आई अश्योर यू सर दैट ऑल पीएसयू एंड देयर रिक्वायरमेंट्स आर बीइंग टेकन केयर ऑफ कंप्लीटली एंड एडिक्वेटली। स्टेट गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो गेटिंग ब्लॉक्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ केयर ऑफ एनएलसी वर्कमैन, पर्टिकुलरली ड्रिंकिंग वाटर दैट यू फ्लैग्ड ऑफ विल सर्टनली बी लुक्ड इनटू एंड प्रोटेक्टेड। दिस इज अ प्रो वर्कर गवर्नमेंट। This government believes in the welfare of the workmen who through their sweat and toil are bringing out this coal from the mines, and you can rest assured that under no condition will their interest be compromised. Shri Ravindra Kumar Jaina ji, Shri Ravindra Kumar Jaina ji ne foreign company ki baat kahi, main aapko vishwas dilata hu. Regarding NLC, many members are raised this issue. Consequent governments is not solving the problem, because honorable madam also has written letter, but sir, the workers is a burning issue there. Let the NLC take something immediately, but we have gone some kind of assurances, but not that is the what expecting, that is what they are. Sir, I am happy to inform the august house, I am very happy to inform the august house that when there was a workmen agitation in Neyveli, I personally intervened and got the workmen their due only 2 or 3 months ago, and I am shortly be visiting Chennai. I will certainly have a conversation and discussion with the management of Neyveli and look up what are the pending issues. Try to solve that. And solve them and then I will come and meet you, sir. Workers issue. That is sir, the foreign company issue raised by Ravindra Kumar Jaina ji is misplaced. Koi videshi company coal block ke avantan mein bhag nahi le sakti hai. Sirf jo company भारत में इंडियन कंपनीज एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड हो वही ले सकती है। साथ ही साथ हम विदेशी कंपनियों को इनवाइट करें कि वो भारत आए, नया टेक्नोलॉजी लाए, नए कोल माइनिंग के अच्छे तरीके यहाँ पे आए, जिससे अंडरग्राउंड माइन खुले और कोल आउटपुट और कोल क्वालिटी, जिसका अरविंद सावंत जी ने जिक्र किया था, वो सुधर सके। इसके लिए अगर विदेशी कंपनियां भारत में सेटअप होती हैं तो मुझे लगता है उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उड़ीसा का पूरा सम्मान और उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाएगा। अरविंद सावंत जी ने जरूर कुछ अच्छी बातें कही। माइन क्लोजर इज अ मैटर आई एम वेरी मच सीज्ड अबाउट। माइन क्लोजर एक गंभीर समस्या है जो मैंने इनहेरिट की है, मुझे विरासत में मिली है। इतनी माइने हैं देश भर में जिनको खत्म नहीं किया गया, उनको लीचिंग की प्रॉब्लम है। आई हैव स्टार्टेड अ प्रोसेस टू गेट सम न्यू टेक्नोलॉजीज हाउ टू डू माइन क्लोजर विदाउट अफेक्टिंग द subsoil quality of the land. And you had Arvind ji had talked about captive mining. We are allowing everybody to participate in the auction. Captive mines are also allowed to participate in the unregulated sector. Mr. Magonti Murali Mohan of TDP had raised the issue of coal linkage for Vijayawada and for setting up UMPPs. I assure you Andhra Pradesh and Telangana have been committed 4000 megawatt each under the State Reorganization Act. This government stands committed to implement all the promises under the State Reorganization Act. I have already started the process in both states and would urge you to help me get the land faster so that we can implement these projects. Shri P. Srinivas Reddy, YSR CP, had raised the issue of Singrani and of CSR funds. I will certainly examine the matter. If you have any suggestions, I will welcome those suggestions, how those funds can be put to good use in the local area. श्री तमराजवत साहू जी ने
कुछ अच्छी बातों का जिक्र किया कि पारदर्शिता है, राज्यों को पैसा मिलेगा। उन्होंने कुछ और विषय की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया कि हम क्या कंट्रोल कर रहे हैं कि कोयला माइन होगा और होड नहीं होगा। हमने बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टीज प्रावधान रखे हैं कि अगर जो जो माइनिंग प्लान है उसके हिसाब से माइनिंग नहीं करे तो उनका जितनी रॉयल्टी ड्यू है और जितना ऑक्शन में पैसा ड्यू है वो उसको हम परफॉर्मेंस बैंक गारंटी लेके जब्त करेंगे और साथ ही साथ माइन को कैंसिल करेंगे। तो आप चिंता ना करें, हम उसका पूरा ध्यान रखें। आपने रिहैबिलिटेशन, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की बात की, माइनिंग टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें इस बिल में नहीं, उसके अलग अलग काम चल रहे हैं। हर बिल हर एक विषय को नहीं ध्यान में रखता है। खान साहब, CPIM ने डीनेशनलाइजिंग की बात की, मैंने पहले भी कहा था इसमें कोई डीनेशनलाइजिंग का प्रावधान नहीं है। यू डीनेशनलाइज व्हेन यू कन्वर्ट पब्लिक टू प्राइवेट, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट, सो देयर इज नो डीनेशनलाइजिंग एंड एनी इलीगल माइनिंग विल बी स्ट्रिक्टली एक्टेड अपॉन एंड एक्शन टेकन। श्री PN सिंह साहब ने NCW वर्कर्स के वेलफेयर की बात की और प्राइवेट सेक्टर वर्कर्स, इसके लिए माइंस एक्ट में पूरे प्रावधान है, उनका पूरा सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। कल्याण बैनर्जी जी को मैं बधाई देता हूं कि उनकी कमिटी ने पहले ई ऑक्शन की और ऑक्शन की बात की थी, उसको हमने और सुचारू तरीके से करने की कोशिश की है, प्रावधान लाए। मैं समझता हूं कि आपका जो काम शुरू आपने किया था उसको हमने अंतिम लगाम तक लेके गए, उसको लगाम किया और अंतिम मोड़ तक लेके गए, उसके लिए आप खुश होंगे। आपने जो बातें कही थी उस, आपने जो रिवर्स ऑक्शन की बात कही थी, मैंने आपको पहले भी बताया। और कोई भी क्लबिंग की जो आपने बात की, आयरन एंड स्टील एंड पावर, क्लबिंग करने का लाभ यह है कि कंपटीशन और स्पर्धा बढ़ती है। अगर हम कुछ माइन स्टील, कुछ सीमेंट, कुछ एल्यूमिनियम करें तो स्पर्धा भी कम होगी, आपके राज्य को दाम भी कम मिलेगा और उसकी वजह से आप कल मेरे ऊपर आरोप लगाओगे कि तुमने फलानी कंपनी को मदद करने के लिए इसको स्टील किया, फलाने को स्पॉन्ज आयरन, फलाने को एल्यूमिनियम। तो हमने खुली स्पर्धा रखी है सबके लिए, जिससे अच्छे दाम और ईमानदार नीलामी हो सके। और आपने इंटरिम कोल की बात की, कोल इंडिया का मैंने कहा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और ये जितनी चल रही है माइंस, अगर आप सब दोनों सदनों में पास कर दें तो ये बंद नहीं होंगी, तो इंटरिम प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लेकिन अगर ये पास नहीं होता है और कुछ माइनें बंद हो जाती है तो जरूर संकट आ सकता है। और आपने पूछा है पैसा कब आएगा, जैसे जैसे कोयले की खदानें खुलेंगी। श्री नागेंद्र जी ने लैंड एक्विजिशन वगैरह का काम मैंने जवाब दे दिया है। गणेश सिंह जी ने जैसे बताया फार्मर्स का, किसानों का पुनर्वास, नौकरी, मुआवजा, अब ये नए कानून के अंतर्गत उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। शेर सिंह गुबाया जी ने जैसे कहा पावर कट, सर आज देश में है नहीं, हमने लगभग हर एक राज्य को ऑफर किया है कि आप बिजली खरीद सकते हैं। जो राज्यों के पास कमी है उसमें ज़्यादातर दक्षिण के राज्यों में ट्रांसमिशन कैपेसिटी नहीं है, जिसकी वजह से हम नहीं भेज पा रहे हैं। हम उस पर इन्वेस्टमेंट करके जल्द से जल्द वहाँ भी भेजेंगे। बाकी देश में जो जो राज्य चाहें, बिजली आज सरप्लस है, कोयला आज सरप्लस है। पहले जो चिंता होती थी कोयला कम है, आज सभी पावर प्लांट्स में पर्याप्त मात्रा में कोयला है। श्री उदय प्रताप सिंह जी ने कुछ अच्छे सुझाव दिए CSR के। दुष्यंत चौटाला जी की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, अंडरग्राउंड माइनिंग पे और उस पर ध्यान देना पड़ेगा, उस पर हम पूरी तरीके से कर रहे हैं। दीपेंद्र जी के कई विषय थे, मैं हर एक पे नहीं कह पाऊंगा, मेरे मंत्री जी का आदेश है कि जल्दी खत्म करें, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैंने वो तो आपको बता दिया कि ऑक्शन आपने शुरू किया पर नीलामी नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने जो कैंसिल किया उसमें जो घोटाला था वो हमारे समय नहीं हुआ, आपके समय हुआ, लेकिन उसको छोड़िए। नेचुरल रिसोर्सेज आपने स्वयं का, कोई छोटे राज्यों की वो नहीं है, पूरे देश की है, उसी हिसाब से ये राज्य हमें सहयोग करके पूरे देश में बिजली की कमी कम करेंगे। लीज 50 वर्ष की नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है, 30 वर्ष की है। और पूरे विश्व में आपकी जानकारी के लिए USA में ऑक्शन होता ही नहीं है, ऑक्शन के बगैर दी जाती है, हम तो ऑक्शन कर रहे हैं। आप टेबल पे रख देना बात।
मिनिस्टर यू एड्रेस द चेयर प्लीज यू एड्रेस द चेयर चलिए आपकी बात ठीक भी होगी तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विषय ये है कि हमने 30 वर्ष की लीज दी है इसलिए क्योंकि कोयला उसमें 30 वर्ष तक रहता है, वो पूरी तरीके से माइन हो, डिस्टर्ब नहीं हो, बिजली का उत्पादन भी 30 वर्ष तक सीधा चलता जाए, और मोनोपोली का सवाल नहीं है, ये ओपन बिडिंग है, हर एक कंपनी उसमें भाग ले सकती है। आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात माताब जी ने कही, मैं समझता हूँ अभी तक तो पूरे देश ने प्रधानमंत्री जी की सराहना की कि कोयला और बिजली दोनों एक मंत्री होने से ये पूरे बिजली की समस्या का समाधान हुआ। आज पहली बार आप इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सभी निर्णय में स्टील, कॉमर्स, माइंस, लॉ, फाइनेंस सभी को जोड़ के निर्णय लिए गए हैं, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पे इतना विश्वास कर सकते हैं कि मैं पावर को फेवर करूं और बाकियों को नूं ऐसा नहीं है, लेकिन इतना जरूर पूरा सदन मानेगा कि बिजली को हमें जरूर ज्यादा अहमियत से देखना पड़ेगा। आपने बड़ा डेंजरस पॉइंट कहा इम्यूनिटी फॉर ऑफिसर्स, अब पुराने दिनों में इन ऑफिसर्स के साथ क्या बीती है और किस राजनीतिक परिपेक्ष में बेचारे कई बार ईमानदार ऑफिसर फंसे हैं, तो ये कोयला ऐसा मंत्रालय था जहां कोई निर्णय लेने को कुछ तैयार नहीं था, लेकिन हमने कोई इम्यूनिटी नहीं दी है। आप अगर उस वर्डिंग को पढ़ें, कोई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का इम्यूनिटी नहीं है, इम्यूनिटी इज फॉर एक्शंस टेकन इन गुड फेथ। और मैं समझता हूं आप लोग सब राज्य सरकारें चलाते हैं, आप समझेंगे कि सरकारी अफसर किस परिश्रम से, किस मेहनत से, किस जोखिम लेके काम करता है। हमारा उनका हमारा कर्तव्य बनता है उनका भी हम सम्मान करें, उनका भी ध्यान रखें। फिनिश सर, यू वाज़ द लास्ट वन। जगदम्बिका पाल जी और कौशलेंद्र कुमार जी ने कुछ अच्छे सुझाव दिए, उस पर भी मैं पूरी तरीके से अमल करूंगा। और ओवरऑल अगर हम देखें तो ये पूरे जो सुझाव हम सब आप सबके आए हैं उनको काफी मात्रा में ऑलरेडी बिल में रखा गया है। कुछ और सुझाव पे मैं पूरी तरीके से अमल करूंगा। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा देश में एक मैसेज जाए कि पूरा सदन, हर एक पक्ष एक ईमानदार तरीके से देश की नेचुरल रिसोर्सेज बटे, ईमानदार तरीके से देश की सेवा में लगे और गरीब से गरीब आदमी को सस्ती बिजली मिले, गरीब से गरीब आदमी का घर बन पाए, उसके लिए स्टील सीमेंट बने, ये कदम है उसके लिए। कोयले की खदानें चालू रहे 31 मार्च के बाद भी, उसके लिए अर्जेंसी है, तो दोनों सदन इसको पारित करें, आप सभी का आशीर्वाद मिले, ये आप सबसे अनुरोध है। धन्यवाद। वन मिनट सर, नहीं ठीक है सर, ये हर राज्यों में जो विद्युत उत्पादन के लिए कोयले के तो आवश्यकता होती है और उसको आपने बहुत अपने ही अंदाज से इसको समझा है, लेकिन मेरी एक ही एक संशय है कि जो राज्यों में कोयला का उत्पादन नहीं है वो लोग दूर से कोयला लाते हैं, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे दूसरे प्रदेशों से लाते हैं, लेकिन चंद कर्नाटक जैसे स्टेट को नज़दीक के जो कोयला खान है, जैसा कि महाराष्ट्र है और आंध्रा है, वहाँ से इनको मिलता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो डिस्क्रिशनरी पावर आपके पास है ब्लॉक्स अलॉट करने का, अगर उस डिस्क्रिशन को अगर आप जुडिशियसली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उन राज्यों को बड़ी तकलीफ होगी। आपके पास कर्नाटक के लोग भी आए थे डेलीगेशन, शायद उनको आप बाद में मिलेंगे शायद। तो मेरा यही है, जो आपने पहले अलॉटमेंट किया था उसको कायम रखिए, अगर उसमें बदलाव करें तो जो ढांचा उन्होंने बनाया ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया है वो नुकसान होता है, तो ये आप ध्यान में रखिए, इसके लिए आप पूरा एक विश्वास हमको दीजिए। सम्मान्य नेताजी खड़गे जी ने बहुत अच्छी बात रेस की है, ये सरकार 125 करोड़ देशवासियों की सरकार है, हम कभी कोई भेदभाव किस राजनीतिक दल की सरकार राज्य में है उस पर नहीं करते हैं।
मैं माननीय खड़गे जी को विश्वास दिलाता हूं कि हम पूरी तरीके से, और मैंने भाषण में कहा भी, महाराष्ट्र के प्रेशर, जहां से मैं खुद आया हूं चुन के, उसका प्रेशर है कि भाई हमारी खाने, हमारा पावर प्लांट 20 किलोमीटर दूर है, वो खाने पिछली सरकार ने बहुत दूर जाके दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद, उस प्रेशर और मेरे खुद के राज्य के बावजूद, मैंने ये ध्यान में रखते हुए कि कर्नाटक को भी थोड़ी दूर से मिले, महाराष्ट्र को भी थोड़ी दूर से मिले, सोशलाइज कर रहा हूँ पूरे अलॉटमेंट को और सभी राज्यों के रिक्वायरमेंट्स को फेयर मैनर में मीट करूंगा। इसमें कोई भेदभाव या किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी एंड विद इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द प्रेजेंट लॉ। ओके, मैगता। थैंक यू डेप्यूटी स्पीकर सर। द इशू दैट आई हैड रेज्ड इन द बिगिनिंग while introduction of the bill and subsequently yesterday also again I repeated the same thing, I'm not convinced, and my friend Mr. Piyush Goyal, who is a good friend of mine, as a minister he is imparting a different role in this house and also outside. I would just remind him, three of us had traveled to Stanford University some years ago. In that university, he was propounding the Gujarat model of development. I was asked to deliberate on the Odisha model of development, and Mr. N.K. Singh, the former member of Rajya Sabha, was asked to explain what was the Bihar model of development. I'm just reminding him what he had said then. Please remember, I'm not going to explain what he had said there. But here I am just mentioning what our Odisha model of development is. Around 58 industries in Odisha have a total installed captive power generation capacity of more than 7,500 megawatt, with an approximate annual coal requirement of more than 50 million tons. Of these, 13 larger industrial units with captive power plants of more than 100 megawatt alone account for 5,000 megawatt capacity. These industries will be at great disadvantage due to non-earmarking of adequate number of coal blocks to meet their captive requirement. Whatever you have said today, and you want to convince me, will you be convinced if you would be sitting here? If this is the case, you are throttling the neck of development of Odisha. This is one. Already the industries are there. We have called them, made MOUs with them. They have set up industries with this belief that that they will get coal blocks. That was the law then. But when the law is changed because of Supreme Court direction or order, because of some bungling that happened during those period, are you not here as a minister to help them out? That is the concern of our state government, of our party. Second point, sir. This is a technical subject, and you love understanding the technical nuances of this issue. Compare a steel plant and a power plant based on coal block of 200 metric ton. The coal block can support a 1,000 megawatt of power plant, which requires 6,000 crores of investment and will provide employment maximum up to 1,000 people. And compared to this, a 200 metric ton coal block can support a 200 million ton steel plant, generate 1,000 megawatt of captive power with a total investment of around 25,000 crores. What is your priority? In case of Odisha, in case of Jharkhand, in case of Chhattisgarh. He's supposed to speak 10 minutes, I can allow it. I cannot stop it. He's moved the resolution. He speaks on his resolution.
Yes, then is it to speak? He has moved that resolution. That is and steel plant provides 15 times employment and 4 to 5 times investment. I would like to understand. You are a good friend of mine. And I expect you are a good friend of Odisha also. Sir, I would also like to mention here the third point, sir. Sir, briefly, please. I'll do that, sir. This, I'm not actually debating the issue. Already a lot of issues have come up. But these are issues which needs to be addressed. If you don't address it here, you will face the music in Rajya Sabha. The same thing will be repeated there. At least if you have a point of view, at least our members in Rajya Sabha will be convinced. This bill provides for generation of power, including the generation of power for captive use in the specified end use of coal blocks. And in end use of coal blocks, the specified end use in section 3, subsection 5. Specified end use means any of the following end users and the expression specified end users shall, with its grammatical variation, be construed accordingly. Production of iron and steel, generation of power, including the generation of power for captive use. In the earlier debate, when Mr. Satpathy had participated in the month of December, he had objected to the washeries. Washing of coal obtained from a mine, that is still there. And you had assured last time that it will be deleted. It is still there. And here I would say, captive power has been excluded from power by an executive action in the tender condition. It is there in the bill, but in an executive order, in the tender process, you have deleted it. It is against the provision of the bill and ordinance. Captive, I am not going to suggest anything here, but it is for your consideration. You are denying a specific group of industries from participating in auction. For whom? Whom does it help? In this, that is why when Dipinderji said it is discretionary, when the other day I said it is a subjective decision, I think mine is being done. You talk of technical committee. He has already explained. I'm not going to go into that detail. But please tell us, isn't four bidding is being investigated? You talk of transparency. Are you not investigating what has already those four bids? Please tell us. Is it foolproof? This demonstrates it is not foolproof. You're not debating thing. You please. The anxiety in which you are pushing this bill, this ordinance. Lengthy speech don't give. Please. It is not foolproof. Make it foolproof. The third is what did the Delhi High Court judgment say? And whether three blocks उन्होंने रोक दिया है? ये सारे चीज आज पब्लिक डोमेन में हैं. And sincerely, sir, Mr. Piyush Goyal, as a person, is a good friend of mine. He is friend of everyone. Anyone who catch holds of coal. How many times you can tell them? Please. Just like this. Your children and my children. Okay, please. Sir, I'm coming to that. Please. Mr. Kharge got a bit impatient. Please wait for the second line is coming. Please wait. If he catches coal, I'm worried because his hand will be soiled, it will be blackened. If you are Minister for Energy, that is in the air. It will give shock. But the concern here is, don't soil your hands.
In another 2-3 years time or 6 years time, let nobody sitting in this side will say it is during Mr. Piyush Goyal's time this mismanagement has happened. Okay, right. Thank you. Please. This dereliction has happened. Please. Very briefly, Minister. You also very briefly. Otherwise, shocking. Everyone is shocked now. Well, I must thank my very good friend for giving me this very timely advice. But I have the confidence that every decision that I take under Prime Minister Modi's leadership is honest, is transparent, it is in public domain, not because you found out from CAG or from some investigative reporter, because I choose to put it in public domain. Every decision of the ministry is put on the website. The auction was also on the website by the minute by minute. Sir, the 58 units that he has alluded to are in Orissa. All of them have certain requirement. They can't bid for these mines. In fact, on the one hand, you're saying there are 58 power plants of 7,000 megawatt. So we have given so much more coal for the power sector that they can form JVs and bid. Sadly, sir, Orissa, and actually happily for them, has very large coal mines, because of which there were very few which were for non-regulated sector. We have gone by a defined criteria. If I didn't have a defined criteria, yehi aarop lagate, aur phir mujhe 6 saal ke baad chinta karni padti. Lekin mera daman saaf hai, maine defined criteria se technical committee dwara kiya hai, mujhe koi usme chinta nahi hai, koi sankoch nahi hai. Mujhe ulte shak ye aa raha hai ki ye briefing kis tarike se ki gayi hai, ki koi ek company ke liye, agar ek company ka jo udharan diya gaya hai, wo ek company ke udharan ko dekhe. कैसे यह माना गया कि 200 मिलियन टन की कैपेसिटी का स्टील प्लांट, पूरे देश में 200 मिलियन टन स्टील नहीं बनता है, पता नहीं कौन सा एक प्लांट 200 मिलियन टन का ओडिशा में है. दूसरी बात, अगर एक एक प्लांट को ध्यान में रख के हम रूल्स और एलोकेशन करें, फिर तो सीधा आरोप लगेगा कि किसी एक व्यक्ति को मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ. एक क्राइटेरिया के हिसाब से दूसरी मायने है जहाँ पे वो व्यक्ति जिसकी वो एक प्लांट की जिक्र यहाँ पे की गई है वो बिड करके ले सकते हैं. और अभी तो ऑक्शन शुरू हुआ है सर, 204 महीने हैं और बहुत अलॉट होनी है, बहुत ऑक्शन होनी है, तो और भी आगे आएंगे, उसमें भी बिडिंग की जा सकती है. वॉशिंग ऑफ कोल का जहाँ तक सवाल है, मैंने सदन को पहले भी विश्वास दिलाया, अब भी दिलाता हूँ, कोई भी माइन कोल वॉशिंग के लिए नहीं दी जा रही है. ये मैंने पिछली बार भी आश्वासन दिया था, फिर दोहराता हूँ. No, it is because this is already there in the original act, and therefore the end uses have not been changed from the original act and they continue. But we do not plan to give even one mine for specifically for end use washing of coal. Okay, all right. As regards whom is this meant to benefit, I think aap apne girowan mein dekhiye ki agar main wo karta ke ek mine इस तरीके से एंड यूज बने जो एक ही व्यक्ति को मिल सके, तो शायद आप ही खड़े होके यहाँ पे मुझे आरोप लगा रहे होते कि मैं चीट कर रहा हूँ, आपके देश की संपत्ति, आपके प्रदेश की संपत्ति के साथ बेईमानी कर रहा हूँ. हमने ईमानदारी से किया, और जो जो कंपनीज ने प्लांट लगाए हैं, मैंने पहले भी विश्वास दिलाया, इतने एंड यूज प्लांट्स हैं, सबके लिए अपॉर्चुनिटी होगी बिड करने की, वो भी बिड करके ले सकता है. और आखिरी में दिल्ली हाईकोर्ट जजमेंट, आपको बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट ने सराहना की है हमारे पूरे ऑक्शन प्रोसेस की. जब कुछ कंपनियों ने कोशिश की कोर्ट के द्वारा ऑक्शन रुकवाने की, तो कोई कोर्ट ने दखल अंदाजी देते की इनकार किया, और सराहना की कि इतने खूबसूरत तरीके से ये नीलामी हो रही है, उसको चालू रखा जाए. सिर्फ दो महीनों के बारे में कोर्ट को जब एक किसी निजी कंपनी ने कहा कि वो पहला अलॉटी था उसका, और उसको वो अभी भी उसी एंड यूज में मिलनी चाहिए, और वास्तव में वो रखता तो ये एक क्राइटेरिया का उल्लंघन होता, तो उसके बारे में कोर्ट ने सिर्फ निर्देश दिया है कि वो री एग्जामिन किया जाए, उसी टेक्निकल कमिटी द्वारा वो री एग्जामिन किया जा रहा है. धन्यवाद. थैंक यू.